हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप हम बहुत अच्छे होंगे। घर पे रहिए, ओके, और पढ़ाई करते रहिए घर पे रह के। आज हम लोग शुरू करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास को एंड किया था, आज हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हमको दो चीजें जाननी और जरूरी थी कि द अर्लीस्ट ह्यूमन जो था वो किस तरह से रहता था, इसमें दो चीजें हमें जाननी थी। पहला पैलियोलिथिक एज इन द डेक्कन, मतलब डेक्कन प्लेटू में पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का मतलब होता है पास, अगर हिंदी में हम इसको देखें तो पहले लिखते को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब कि ऐसा समय जिसमें ह्यूमंस ने पत्थरों को यूज करना चालू किया। पत्थर का यूज वो चाहे खेती करने के लिए करते हो, जानवर को मारने के लिए करते हो, घर बनाने के लिए करते हो, एनी टाइप ऑफ। तो उन्होंने पैलियोलिथिक एज में क्या यूज करना शुरू किया, पत्थरों का यूज करना शुरू किया। ओके, तो पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस इन डेक्कन सच एज पुणे। डेक्कन के एरियाज में भी पैलियोलिथिक एज में कई सारे चेंजेस देखने को मिले। अब वो चेंजेस क्या क्या थे, तो वो चेंजेस कौन कौन से स्टेट में थे, तो हम या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, तो इसमें पहला जो आता है हमारे क्या आता है, पुणे आता है। दूसरा आता है हमारे क्या, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र, आर ए एस एच टी आर ए, महाराष्ट्र आता है। उसके बाद आता है आपका हंसगी, ये सब नेम है हंसगी। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्या, कर्नाटका एंड कुर्नूल। कर्नाटका, कुर्नूल, ये सब साउथ के हैं, कुर्नूल। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डेक्कन, नासिक, देखिए नासिक में बोल रहा हूँ, नासिक महाराष्ट्र, नासिक। ओके, तो पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस इन द डेक्कन। डेक्कन के कई सारे प्लेसेस जैसे कि पुणे, नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र और हंसगी इन कर्नाटका, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, एंड रीजन अराउंड दिस सिटीज इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स तापी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, भीम नदी और वर्धा नदी, और इसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे किनारे पैलियोलिथिक एज में डेवलपमेंट देखी गई। मतलब वहां धीरे धीरे ह्यूमन ने निवास करना, हम कह सकते रहना शुरू किया था। इन द पैलियोलिथिक एज रेनफॉल इन द डेक्कन सीम्स टू हैव बीन हैवियर देन इट इज टुडे। आज की अपेक्षा पैलियोलिथिक एज में जो रेनफॉल थी वो इस एरिया में आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती थी। मतलब बारिश पैलियोलिथिक एज में ज्यादा होती थी और आज के टाइम में इस एरिया में बारिश कम होती है। समझ रहे बात को आप लोग। दिस इज कन्फर्म्ड बाय फाइंड्स ऑफ द रिमेन्स ऑफ एनिमल लाइक द इंडियन राइनोसेरस एंड द वाइल्ड ऑक्स विच प्रीफर वेट क्लाइमेट। ऐसे सारे जानवर जैसे कि राइनोसेरस और वाइल्ड ऑक्स, इन्हें वेट क्लाइमेट की जरूरत होती है, वो यहाँ रहते थे। ओके, विच प्रीफर वेट क्लाइमेट, द रीजन वॉज लाइटली फॉरेस्टेड। और यहाँ पर जगह जगह जंगलों की भरमार देखी गई। बारिश होती थी, नमी रहती थी, तो जंगल ऑब्वियसली वहां रहेंगे रहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ द पैलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम पेबल्स हैव बीन फाउंड एट प्लेस ऑन हाई बैंक्स अलोंग द रिवर। नदियों के किनारे जो ऊंचे ऊंचे जगह थे वहां पे पेबल्स से बने पैलियोलिथिक एज के औजार यानी कि हथियार मिले। दीज प्लेसेस वेयर पॉसिबली फैक्ट्री साइट्स वेयर द पैलियोलिथिक पीपल ऑफ द रीजन मेड देयर टूल्स। ये वो फैक्ट्री साइट था जहां पर पैलियोलिथिक एज के लोग अपने हथियार को बनाने के लिए इसे यूज करते थे। इट मींस आज के टाइम में हम देखते हैं कि फैक्ट्री रहती है, लोग यहाँ काम करने जाते हैं और एक विशेष तरह की चीजें हर एक फैक्ट्री में बनती रहती है। किसी में गाड़ी बनती है, किसी में सीट कवर बनता है, किसी में कुछ और बनता है। उसी तरह उस टाइम पे भी पैलियोलिथिक एज में भी उन्होंने एक फैक्ट्री यानी कि एक ऐसा जगह बना रखा था जहां पे लोग जाते थे, टूल्स बनाते थे और उस टूल्स को मार्केट में बेचने की भी कोशिश करते थे। इट मींस जो आज का टाइम है वो पहले भी बीत चुका है। हाँ, आज के टाइम में थोड़ी हाई लेवल में वो चीजें होती है, पहले के टाइम में थोड़ी लो लेवल में होती है, बस अंतर इतना ही है और ज्यादा अंतर नहीं है। नाउ क्लियर, दीज प्लेसेस वर पॉसिबली फैक्ट्री साइट्स वेयर द पैलियोलिथिक पीपल ऑफ द रीजन मेड देयर टूल्स। द हायर बैंक्स फर्दर अवे फ्रॉम द रिवर्स आर ओल्डर देन द लोअर वंस क्लोजर टू द रिवर्स। मीन्स कि जो नदी के पास कह गया था उसे ज्यादा यूज किया जाता था और जो नदी के दूर कह गया था उसे कम यूज किया जाता था। मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा पास थी उस एरिया को उतना ज्यादा ही। जैसे आज के टाइम में फैक्ट्री को वहीं बैठाया जाता है जहां नदी पास हो, पानी की जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो नदियों को, मतलब फैक्ट्रियों को आसानी से मिल जाए। तो पहले भी यही सीन था, आज भी वही सीन है। दिस नॉलेज हेल्प्स
आर्कियोलॉजिकलिस्ट टू डिटरमाइन विच टूल्स आर ओल्डर। इससे पता चला कि कौन से टूल ज्यादा पुराने और कौन से टूल ज्यादा नए हैं। रिमेन्स ऑफ बोन्स, हड्डियों से बने हुए औजार, सिंह से बने हुए औजार, टंग्स ऑफ एनिमल्स सच एज द वाइल्ड ऑक्स एंड एलिफेंट, सम विथ वेपन्स एम्बेडेड इन देम सजेस्ट दैट दीज एनिमल्स वेयर हंटेड। और हथियारों को देखकर ऐसा लगा कि जानवरों को जान से मारा गया था और उनकी हड्डियों का यूज करके उनके औजार बनाए गए थे, उनके चमड़े का यूज करके कपड़े बनाने की कोशिश की गई थी, ऐसी सारी चीजें बहुत वहां देखने को मिली। लार्ज पिट्स वर प्रोबेबली डग एंड कवर्ड विथ लीव्स एंड ट्विग्स टू हाइड देम फ्रॉम व्यू। बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे और हथियारों को उसमें छिपाने की या पत्तियों से ढककर छिपाने की कोशिश की गई थी। लार्ज एनिमल दैट फेल इनटू द पिट्स एंड कुड नॉट गेट आउट वेयर किल्ड। बड़े बड़े जानवरों को उस गड्ढे में रखा जाता था, उन्हें मारा नहीं जाता था, कुछ को मार के रखा जाता था ताकि लोगों से छुपाया जा सके। द पीपल ऑफन हंटेड विथ हैंड एक्सेस, लोग जानवरों को हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी एक्सेस का यूज करके मारते थे। एंड स्पीयर्स हैविंग वुडन हैंडल्स, उस एक्स में क्या थी, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स था, ये एक्स, ठीक है, तो इसमें जो था ये जो हैंडल थी ये लकड़ी की लगी होती थी, ये क्या था, लकड़ी का था, और ये क्या था, लोहे का था। इसमें इसको हाथ से पकड़ के और इससे शिकार किया जाता था, यानी कि जानवरों को मारने की कोशिश की जाती थी। ओके, द टूल वॉज प्लेस्ड इन अ स्प्लिट स्टिक ऑफ वुड और बम्बू एंड टाइड विथ अ क्रीपर। द ज्वाइंट वॉज स्ट्रेंथन बाय द अप्लाइंग गम और रेसिन, ऑल द वुडन पार्ट्स हैव डिकेड। जो लकड़ी का पार्ट होता था ये समय के साथ खराब हो जाता था, लेकिन ये लोहे का जो पार्ट था ये बहुत दिन बाद खराब होता था, तो इसे बार बार चेंज किया जाता था, कभी पेड़ का लगाया जाता था, कभी बांस का लगाया जाता था, मतलब अलग अलग तरीके से जैसे जैसे वो खराब होती थी। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे हंसगी। हंसगी जो है वो कर्नाटका का एक छोटा सा भाग है, इज सिचुएटेड इन द सोरापुर दोआब, जो कहाँ पे है, सोरापुर दोआब में स्थित है। द लैंड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड द ट्रिब्यूटरी भीम, जो कृष्णा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी भीम के बीच में स्थित है। एक्सकैवेशन हियर हैव रिवील्ड पैलोलिथिक हैबिटेंट्स एंड फैक्ट्री साइट्स, यहाँ पर हथियार बनाने की फैक्ट्री देखी गई है। द रीजन हैज सेवरल स्प्रिंग, इस रीजन में कई तरह की चीजें डिफरेंट डिफरेंट देखी गई है, जैसे कि सप्लाई वाटर आसान था इसलिए यहाँ पे लोग थे रहते थे। द फाइंड्स ऑफ द साइट्स सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द पीपल कैंप्ड नियर वाटर सोर्स एंड हंटेड लार्ज एनिमल दैट केम टू ड्रिंक। और ऐसा भी माना जाता था कि गर्मी के दिनों में जब जो जानवर प्यास लगती थी पानी पीने आते थे, उन जानवरों को ये लोग मार के खा जाते थे। इसका मतलब ये इनका क्या था, रहने का एक तरीका था। सो ड्यूरिंग द वेट सीजन, वेट सीजन में दे स्प्रेड आउट ओवर द रीजन, इस रीजन से बाहर चले जाते थे एंड डिपेंडेंट मोर ऑन एडिबल प्लांट्स एंड स्मॉल प्रे, और छोटे छोटे घास फूस और बड़े बड़े प्लांट पर ये डिपेंडेंट, जो फल देते थे उस पर हो जाते थे। मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट हंसगी आर टूल्स मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, हंसगी एक स्पेशल टूल था जो लाइमस्टोन संगमरमर का बना हुआ था। फाउंड इन सराउंडिंग्स, इसके चारों तरफ मिला। एमंग द टूल्स फाउंड आर हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, नाइफ्स, बॉर्डर्स एंड मेकिंग होल्स एंड टूल्स दैट कुड बी यूज्ड बोथ एंड बॉर्डर्स एंड स्क्रैपर्स वेयर आल्सो मेड, मतलब अलग अलग तरह की हथियारें मिली जिसका यूज लोग खेती करने के लिए करते थे, जानवरों को मारने के लिए करते थे, या फिर अलग अलग तरह के वर्क में करते थे। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप कंप्लीट कर देंगे, इट मीन्स क्वेश्चन और आंसर अगली क्लास में सबका मुझे कंप्लीट चाहिए। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।